हेलो दोस्तों, वेलकम टेक्निकल इसरार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो और आपका एडसेंस अकाउंट को अपने यूट्यूब चैनल से बदलना चाहते हो तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। सबसे पहले आपको बता दो, आप एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं और यूट्यूब चैनल बनाने के साथ ही आप अपना मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिससे आपका एडसेंस अकाउंट आपके यूट्यूब चैनल पे अटैच हो जाता है। बट आपका रीजन कुछ भी हो सकता है, बट आप इसको चेंज करना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये एडसेंस अकाउंट मेरे इस चैनल से हट जाए और दूसरे वाले चैनल से ये वाला अटैच हो जाए, तो आज इसका कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है हम क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देते हैं। तो मेरे दोस्तों, अभी के लिए हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं चेंज करने वाला हूँ एडसेंस अकाउंट। तो यहाँ पे चैनल पे मैं चला जाता हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद आपको मोनेटाइजेशन में जाना है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने है। बट मैं चेंज करने वाला हूँ अपना एडसेंस अकाउंट, तो आप एडसेंस अकाउंट पे आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 480 है बाद में एडसेंस अकाउंट आईडी। तो यहाँ पे चेंज का जो ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह का यहाँ पे बोलेगा कि आप किससे लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो वाली ईमेल आईडी आपको देनी है जो आप चेंज करना चाहते हो। तो मैं टेक्निकल इसरार वाली जो ईमेल आईडी है उससे मैं लॉगिन हो रहा हूँ। बस आपको ये याद रखना है कि पहले से जिसको आप चेंज करना चाहते हो वो वाला अकाउंट आपको पहले ही बना लेना है। तो मैंने अभी जो बनाया था वो टेक्निकल इसरार @gmail.com मैंने बना रखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है नीचे, एक्सेप्ट एसोसिएशन, यानी कि यहाँ पे एक्सेप्ट पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ऐड ऑन हो जाएगा। तो अब जो मैं लॉगिन हो रहा हूँ वो टेक्निकल इसरार वाली ईमेल आईडी से हो रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, पहले 480 वहाँ पे आ रहा था, अभी मैं इसको रीडायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और अब मैं आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा से मैं एडसेंस अकाउंट पे क्लिक करूँगा और पहले 480 आ रहा था, तो अब देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे देख सकते हो 955 आ गया, यानी कि हमारा जो एडसेंस अकाउंट था वो चेंज हो गया, सक्सेसफुली चेंज हो गया। बट जो हमने चेंज करा है 955 वाला, ये पहले से आपको बनाना है एडसेंस अकाउंट को और वही वाली ईमेल आईडी इसमें डालनी है जैसे मैंने डाली थी। अब मैं इसको प्रॉपर ओपन कर देता हूँ और चलता हूँ आपको एडसेंस अकाउंट में लेके। तो यहाँ पे मैं साइन इन करता हूँ और अब ये मेरी नए वाले से खुलेगा, जो मेरी नई वाली ईमेल आईडी जो मैंने अभी अभी असाइन करी, एसोसिएट किया जिसको, तो ये वाली नई वाली से खुल गया है क्योंकि ये मैंने नया बनाया था, यही मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो टेक्निकल इसरार से ये लॉगिन हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने एडसेंस अकाउंट को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 955 आ गया है, तो सक्सेसफुली चेंज हो गया। दोस्तों, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ आ गई होगी। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।